दोस्तों जय श्री राम। श्री राम मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आप सभी को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों 500 सालों के कठिन परिश्रम के बाद अब फाइनली वो समय आ गया है जब 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और साथ ही भक्तों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी उद्घाटन कर दिया है। इस रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रखा गया, जिसमें 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन शामिल है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी देशवासियों से यह भी अनुरोध किया है कि सभी देशवासी एक बार फिर से 22 जनवरी को अपने घरों को दीपक से सजाकर दीपावली को मनाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन बातों के बारे में जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। नंबर 1, राम मंदिर से कुछ दूरी पर एक टाइम कैप्सूल को दबाया जाएगा, जिसका फायदा यह होगा कि अगर सालों बाद कोई राम मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी लेना चाहता हो तो आसानी से ले सकता है। नंबर 2, राम मंदिर को बनाने के लिए जिन खास ईंटों का प्रयोग किया गया है उन पर श्रीराम लिखा हुआ है और साथ ही उन ईंटों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो गर्भगृह के तापमान को सही रख सके। नंबर 3, मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जा रहा है, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे जैसी चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है। नंबर 4, राम मंदिर का निर्माण चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे आशीष सोमपुरा और निखिल सोमपुरा ने मिलकर बनाया है। सोमपुरा परिवार ने मंदिर के डिजाइन निर्माण में महारत हासिल करी हुई है। नंबर 5, भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर के अंदर स्थापित की जाएगी। नंबर 6, राम मंदिर की नींव निर्माण करने के लिए पूरे भारत से 2500 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों से पवित्र माटी लाई गई है, जैसे झांसी, यमुनोत्री, हल्दीघाटी, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और इसके साथ साथ कई पवित्र जगह शामिल है। नंबर 7, एक बार मंदिर पूरा हो जाने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर होगा। दोस्तों श्रीराम मंदिर ने अयोध्या में गहरी छाप छोड़ी है, एक ऐसी पावन जगह जो अब उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगी जो इसके बारे में पहले नहीं जानते थे। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आने वाले कुछ ही सालों में पूरी अयोध्या नगरी का कायापलट किया जाएगा, यानी कि पूरी अयोध्या नगरी का विकास किया जाएगा, जिसके तहत 85,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का निवेश किया जाएगा। इस योजना में 1200 एकड़ में फैली एक टाउनशिप भी शामिल है, जिसे आने वाले अगले 5 सालों में पूरा बना दिया जाएगा और जिसकी लागत 2200 करोड़ रुपए होगी। दोस्तों आप सभी भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या कब जाने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल मत भूलना। जय श्री राम।